गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले व्हाट्सएप के कुछ सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे काफ़ी सारे व्हाट्सएप के ट्रिक्स होते हैं जो कि इनेबल करना होता है, कुछ इनेबल नहीं करना होता है। सो गाइस, इस मामले में क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों को अपनी जो सीक्रेट चीज़ें होती है ना, दूसरों को पढ़ने को मिल जाता है, तो दूसरों के साथ शेयर हो जाती है। वो आपकी प्राइवेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहते हैं, प्रोटेक्टेड करना रहता है उसको। ऑन ऑफ करे बिना आपकी प्राइवेसी, आपका प्राइवेसी जो है वो लीक हो सकता है। तो फाइनली गाइस, आज व्हाट्सएप के कुछ चार ऐसे हिडन सेटिंग बताऊंगा जिसके कारण से आपकी जो भी चैटिंग होगी, जो भी बैकअप होगा, वो कोई अनदर पर्सन नहीं पढ़ पाएगा। तो चलिए वीडियो को एंड तक बने रहिए। सो गाइस, चलते हैं मेरे व्हाट्सएप में और वहाँ पे मैं आप लोगों को सेटिंग बताता हूँ। देखिए गाइस, मेरे व्हाट्सएप में आ गया हूँ मैं। यहाँ पे आप लोगों को दिखने को मिल रहा है ऊपर थ्री डॉट में टैप करते ही आप लोगों को यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। सेटिंग के ऑप्शन में मिलते ही मैं आपको फर्स्ट जो ट्रिक्स एंड अप्लाई करना है आपको, नॉन इनेबल, ठीक है ना। तो आप लोगों की प्राइवेसी के लिए या वीडियो में आप लोगों के ऊपर बना रहा हूँ, तो अगर आपकी प्राइवेसी सिक्योर एंड सेफ रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को करना क्या है, जैसे यहाँ पे थ्री डॉट में टैप किया, उसके अकाउंट पे टैप करते हैं, आप लोगों को दिखने को मिलेगा यहाँ पे फर्स्ट में सिक्योरिटी। गाइज, आप लोगों को पता होगा सिक्योरिटी ये चीज़ होती है, यहाँ पे आपकी कोई भी चैट मैसेज वगैरह होते हैं, जो भी होता है यहाँ पे कॉलिंग वगैरह करते हैं, तो किसी को भी नोटिफाई नहीं करता ये। इसके लिए आपको क्या करना है, इसको हमेशा ऑन रखना है। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, इसकी जो प्राइवेसी है उसको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसको ऑन रखिएगा ताकि आपकी प्राइवेसी जो हो रही है वो सिक्योर रहा, ठीक है ना। चलिए अब दूसरे ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं, जो कि आप लोगों को यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, टू स्टेप वेरिफिकेशन। सो गाइज, टू स्टेप वेरिफिकेशन ऐसा होता है गाइज, आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने बताए होंगे, काफ़ी सारे लोगों ने अगर नहीं बताए हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर करने जाता हूँ। टू स्टेप वेरिफिकेशन, अगर आपका फ़ोन खो जाता है या कोई अदर पर्सन आपके व्हाट्सएप को लॉगिन करना चाह रहा है, लॉगिन कर रहा है, तो उस टाइम पे आपकी टू स्टेप वेरिफिकेशन बहुत ही काम करता है, क्योंकि आपको यहाँ पे इनेबल करना होता है और यहाँ पे 4 एंड 5 एंड 6 डिजिट के आपकी कोई भी कोड होगा। आप रेगुलर बिजनेस व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे 6 डिजिट का मिल जाएगा, अदरवाइज़ आप अगर नॉर्मल व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे 4 डिजिट का मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 डिजिट का आप कोई भी एक पिन सेट कर लीजिए। अगर कोई आपके व्हाट्सएप को एक्सेस लेना चाहता है, एक्सेस लेता है, तो आपको पहले नोटिफाई करेगा और बिना पिन का वो आपका व्हाट्सएप जो है ओपन नहीं कर पाएगा। ये था सेकंड ट्रिक गाइज। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पे थर्ड वा ट्रिक के गाइज। ये जो थर्ड वा ट्रिक है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो लास्ट वाला फोर्थ वा ट्रिक है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी चैट हिस्ट्री के बारे में लेकर, ठीक है ना। आपकी चैट हिस्ट्री जो है कोई भी पढ़ सकता है, तो उसके ऊपर लेकर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, तो इसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। सो गाइज, आप लोगों को दिखने को मिल रहा है नीचे की ओर यहाँ पे अकाउंट इन रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो, ठीक है ना। इसको टैप करते हैं, रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो में होता क्या है गाइज, अगर कोई आपकी चैट हिस्ट्री बैकअप जो चाहता है वो यहाँ पे आपकी रिक्वेस्ट करके ये ले सकता है। ये 3 दिन के अंदर जिसने भी रिक्वेस्ट डाला है उसको मिल सकता है। तो आप लोगों को क्या कर, इस तरह से है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे और सेक्शन आता है, ऑलरेडी रिक्वेस्ट सेंड वाला ऑप्शन आता है, अगर इसको टैप किए होंगे तो। इसको आपको हर दिन चेक करना है, ठीक है ना गाइज। कोई किसी के आपको मोबाइल दे दिए और उसने आपका चैट हिस्ट्री को रिक्वेस्ट में डाला है, 3 दिन में उसको बैकअप मिल जाता है, पूरी की पूरी बैकअप मिल जाती है, और उसके बाद आपके जो भी मैसेज थे वो सारे पढ़ सकता है। सो गाइज, अब चलते हैं चौथे ट्रिक्स के अंदर। चौथा ट्रिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि वो चैट से रिलेटेड है। तो चैट पे टैप करते हैं, चैट के टैप करने के बाद ऊपर करते हैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पे आप लोगों को दिखने को मिल रहा है चैट बैकअप। अब चैट बैकअप जैसे टैप करेंगे, यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट देखिए यहाँ पे लोकल मिल रहा है, यहाँ पे गूगल ड्राइव नेवर वे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है देखिए गाइज, बैकअप टू गूगल ड्राइव में यहाँ पे आप लोगों का जीमेल वगैरह नहीं होगा, यहाँ पे बैकअप नेवर होना चाहिए, नेवर रहेगा तो ही रहेगा, ठीक है ना। अगर इसको नेवर होना चाहिए, और दूसरी बात यहाँ पे देखिए गूगल अकाउंट नॉन सेलेक्टेड लिखा है, इसको आपको चेक करना है। यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा ब्लर कर दूंगा, ये सारे मेरे जीमेल हैं, यहाँ पे किसी ने अपना जीमेल ऐड करके आपकी बैकअप हिस्ट्री यहाँ से अगर सेंड कर दिया तो आपकी सारी की सारी पोल खुल जाएगी, आपकी पूरी चैट चली जाएगी, आपने जितनी बातें की थी, जो भी आपके व्हाट्सएप के अंदर हुआ था, ये सारी चीज़ें उसके पास शेयर हो जाएगी। सो गाइज, इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, और अपने व्हाट्सएप के अंदर ये प्राइवेसी आपको ज़रूर अपनाना है। सो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोगों को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप के बारे में थोड़ा सा ना अवेयर होना ज़रूरी है। आज की सोशल मीडिया के ज़माने में कहीं ना कहीं कुछ लीक हो जाता है, तो आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच guys।